आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी स्पेनिश मूवी को जिसकी कहानी आपको काफ़ी सस्पेंस लगेगी। आज की हमारी मूवी है द क्रॉप्स ऑफ एना फ्रिट्ज। मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की मेन लीड में एक खूबसूरत एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जिसका नाम एना फ्रिट्ज होता है, और स्टार्टिंग में ही उसकी एक पार्टी में अचानक मौत हो जाती है और अब उसको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है। मुर्दाघर में एक आदमी काम करता है जिसका नाम पाव होता है। पाव एना को पहली नज़र देखता है और उसकी एक पिक्चर ले लेता है, क्योंकि एना बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस होती है। थोड़ी देर बाद मुर्दाघर में पाव से मिलने के लिए उसके दो दोस्त आते हैं जिनका नाम इवान और जावी होता है। दोस्त उसको अपने साथ कहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन पाव यह कहकर मना कर देता है कि अभी उसकी शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई है और वो यहाँ से नहीं जा सकता है। और फिर हम तीनों दोस्तों को हॉस्पिटल के बाहर दिखाया जाता है जो नशा कर रहे होते हैं, जिसमें ड्रग्स भी शामिल होती है। ड्रग्स करने के बाद उसका दोस्त इवान एना को एक नज़र देखने की बात कहता है, जिस पे पाव यह कहकर मना कर देता है कि इसमें बहुत ख़तरा है और वो ऐसा नहीं करेगा। पर इवान बार बार जिद करता है तो पाव उसको एना को दिखाने के लिए मान जाता है, और चुपके से अब वो अपने दोस्तों को एना की डेड बॉडी के पास ले जाता है। जावी इन सभी में काफ़ी डरा हुआ होता है, पर वही इवान काफ़ी एक्साइटेड होता है और अब वह तीनों एना की बॉडी के पास होते हैं। इवान एना के ऊपर से कफन हटा देता है। अभी भी इवान एना को बहुत खूबसूरत लगती है और इवान अब एना को पहली बार टच करता है। ये सब देखकर जावी को अजीब लगता है क्योंकि वो सिर्फ एक लाश होती है, लेकिन इवान अब खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था। इसी बीच इवान कहता है कि अब वो एना को प्यार करेगा, जिस पे जावी उसे समझाता है कि ये सब काफ़ी गलत है, लेकिन पाव भी एना के साथ संबंध बनाना चाहता था और वो दोनों अब किसी की बात नहीं मान रहे थे। पाव ये भी बताता है कि वो ऐसा पहले भी कर चुका है और हाल ही में उसने एक 17 साल की लड़की की लाश के साथ संबंध बनाए थे, और अब पाव और जावी इवान को एना के साथ छोड़कर कमरे में चले जाते हैं। यहाँ से मूवी एक ऐसा मोड़ लेती है जो अब इन तीनों लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर देगी, और इवान अब एना के साथ अकेला होता है और वो उसके ऊपर जाकर उसे प्यार करने लगता है और वो अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर लेता है। और पाव आ जाता है और वो एना के साथ इंटीमेट होने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। ऐसा थोड़ी देर ही हो पाता है कि इतने में एना अपनी आँख खोल लेती है और पाव को भी यह महसूस होता है कि एना ज़िंदा है, और वो बहुत डर जाता है और तुरंत एना के ऊपर से हट जाता है। और अब वहाँ इवान और जावी को भी आ जाते हैं और पाव बताता है कि एना ज़िंदा हो गई है, और अब वो सब लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि एना ने अगर ये बात किसी को बता दी तो अब उन दोनों के जीवन भर के लिए जेल जाना पड़ सकता है। और इवान और पाव अब एना को मारने का प्लान करते हैं, लेकिन वही जावी एना की मदद करना चाहता था और वो एना को खोलने लगता है, लेकिन इवान जानता था ऐसा करने से वो मुसीबत में आ सकता है, तो जावी को मारने लगता है जिससे जावी के सिर से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके दोस्त उसे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे और वो जावी को वहाँ से घसीटते दूसरे कमरे में ले जाता है, और वहाँ एना सच में पूरी तरह से ज़िंदा होती है, लेकिन वो सिर्फ अपना सिर ही हिला पा रही होती है और बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। इवान को काफ़ी खून बह चुका होता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब वो उस कमरे में खून को साफ कर देते हैं और एना को भी उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ जावी होता है। और पाव और इवान अब इस पूरे हादसे से निकलना चाहते हैं क्योंकि किसी को पता चलने पर उन्हें जेल भी हो सकती थी। वो प्लान बनाते हैं कि वो एना को मार देंगे और दोनों की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी एना की बॉडी भी थोड़ी थोड़ी काम करने लगती है और वो बेड से खुद को नीचे गिरा लेती है जहाँ जावी की लाश होती है, और एना अब जावी के फ़ोन का इस्तेमाल करके किसी को कॉल कर रही होती है। लेकिन इतने में ही वहाँ इवान आ जाता है और वो एना का फ़ोन छुड़ा लेता है। वो देखता है कि एना अपने पिता को फ़ोन कर रही थी पर कॉल अभी तक लगी नहीं होती है,
लेकिन तभी ऐना के पिता कॉल बैक करते हैं, जिसपे इवान कॉल को उठाकर कहता है कि रॉन्ग नंबर है। और अब इवान जाबी की लाश को छुपाकर बाहर ले जाने लगता है और पाव से कहता है कि वो ऐना को बांध दे और वहाँ से चला जाता है। और पाव जब ऐना को बांध रहा होता है तभी ऐना कहती है कि वो यहाँ से उसको जाने दे और वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन पाव घबराया हुआ होता है और वो ऐना को बांधकर इवान के पास मदद के लिए चला जाता है। तब तक ऐना की बॉडी पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती है, लेकिन अब ऐना की बॉडी थोड़ी और सही हो जाती है और वो खुद को खोलकर ज़मीन में गिर जाती है और खुद को घसीटकर मुर्दा घर से बाहर निकलने लगती है। लेकिन दोनों दोस्त ऐना के पास जाते हैं और वो वहाँ नहीं होती है, तो वो दोनों ऐना को ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें जल्दी ही मिल जाती है, क्योंकि ऐना अभी भी चल नहीं पा रही थी। और अब इवान ऐना का पैर पकड़कर उसे मुर्दा घर से ले जाता है। अब पाव भी इवान से डरने लगता है और उसका साथ देना नहीं चाहता, क्योंकि वो जान गया होता है कि उसने जाबी को खुद ही मारा था। लेकिन वो चाहता था कि वो बच सके, इसलिए वो सोचता है कि ऐना को जिंदा रखना बहुत बड़ा खतरा है और दोनों उसे गला घोटकर मारने का प्लान करते हैं। लेकिन पाव कहता है कि वो हत्यारा नहीं है और वो खुद ऐसा नहीं करेगा, तुमने ही जाबी को मारा था और तुम ही ऐना को मारो। लेकिन इवान अकेले ही इतना गलत नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दोनों ही ऐना का गला दबा देते हैं, जिसमें ऐना फिर से एक बार सांस ना आने की वजह से मर जाती है। मूवी में आगे बने रहिए, क्योंकि इसकी एंडिंग आपको हैरान कर देगी। और अब वो दोनों लोग ऐना को वहीं छोड़ के सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं और पाव की बॉडी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इवान को लगता है कि उसकी आईडी अंदर रह जाती है, पर पाव कहता है कि कल जल्दी आकर वो उसे ढूंढ लेगा। लेकिन इवान ये गलती नहीं करना चाहता था और दोबारा अंदर ऐना के पास जाता है और वहाँ फिर से ऐना एक बार जिंदा हो जाती है। अब उसकी बॉडी भी काम कर रही होती है और वो अपने पैरों पर ही खड़ी होती है। असल में ऐना पहले जब पाव से कहती है कि उसको यहाँ से जाने दे और वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी, तो पाव इसकी इस बात पर यकीन कर लेता है और इवान से बचाकर उसे जिंदा छोड़ देता है। पर अब इवान जान जाता है कि पाव ने उसे धोखा दिया है और वो ऐना की तरफ है, तो पाव को गला दबा लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन ऐना अब पूरी तरह से ठीक होती है, तो वो हमले के पीछे एक कैंची लेकर इवान के गले पर हमला करती है और इवान वहीं मर जाता है। और पाव किसी तरह से जिंदा रहता है और वो ऐना की तरफ आने लगता है, तो ऐना उसके भी पेट में कैंची मारकर उसकी जान ले लेती है। और अब सिर्फ ऐना ही जिंदा होती है और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें।